हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 7 जून 2019 है, फ्राइडे का दिन है और आज निफ्टी ने एक्सपायरी दी है। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो पे होंगे तो मैंने आपको बोला था बेरिश सिग्नल है, आप वॉच लिस्ट रखिएगा। जूट का आपको 12,550 के ऊपर दिखा रहा है, 100-200 तक जाकर के सिमटेगा। आप जाके मेरे प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं और अगर किसी ने उसको समझ के पुट की पोजिशन या फ्यूचर को शॉर्ट करके बैठे होंगे तो फायदे में होंगे। आज का भी जो पोजीशन आप देख रहे हैं ये 26 पॉइंट ऊपर की ओर है, तो गलती से ये मत फंस जाइएगा वापस कि अब इसमें बुलिश सिग्नल आ गया, नहीं आया है। और ये 12,000 तो आप किसी हालत में अभी क्रॉस नहीं करने वाला है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हर ट्रेडर की अपनी अपनी ये होती है, देखने का व्यू होता है। मेरा व्यू है बेयरिश है और इस वीक की एक्सपायरी आपको लो अगर 11,600 से नीचे नहीं जाएगी। हो सकता है कि 11,700 के आसपास वहीं तक जाए, 11,600 से नीचे नहीं जाना चाहिए, इतना भी बेरिस नहीं होना चाहिए, आपको इस एक्सपायरी निकाल देगा। लेकिन अगर मंथली एक्सपायरी की बात करो या कमिंग डेज में बोलूँ तो आपको निफ्टी 11,100 11,200 टच करेगा। अभी शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं कि वो लॉन्ग टर्म की बात करें, जब वीकली आएंगे तो वीकली डिस्कस कर लेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि जब 11,870 है तो भी टोटल जो उसके 50 हैं लिस्टेड शेयर है उसमें बीसी एडवांस 29 डिक्लाइन है और 1 अनचेंज है। मीन्स आप देखेंगे 60 मोर देन 50% जो है वो क्या है, आपका डिक्लाइन की ओर है, तो स्ट्रेंथ नहीं है। जो आज अच्छे परफॉर्म किया वो इंडसलैंड, इंफ्राटेल, बजाज, एसबीआर, बीपीसीएल, जो नॉन परफॉर्म है डॉक्टर रेड्डी, यस बैंक, सिप्ला, पावर ग्रिड, जेएसडब्ल्यू स्टील। अगर हम आज एफआईडीआई की बात करें, एफआई ने 478 करोड़ की बिकवाली की है और डीआई ने 179 करोड़ की खरीदारी की है। 478 करोड़ की यहां पे भी डाटा है, खरीदारी की है और 179 करोड़ की बिकवाली की है और खरीदारी की है। अगर मंथ टिल डेट की बात करें तो 724 करोड़ की एफआई ने खरीदारी की है अभी तक, 3 तारीख को 3,000 का, फिर 416 का सेल, फिर 14,000 करोड़ का सेल, फिर 478 का सेल, तो नेट 724 की बाइंग है। मैं जो भी बाई किया था अब सेल की ओर खत्म कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे डीआई तो सेलर हैं ही। फ्यूचर ऑप्शन में कहें तो जो पोजीशन मार्क उन्होंने लास्ट महीने जून में बनाई है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। आप देखेंगे तो एफआई इंडेक्स में, इंडेक्स फ्यूचर में वापस अभी सेल करके बैठे हैं और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडेक्स में बाइंग की हुई है। मीन्स इंडेक्स में जो बाइंग है फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए है, लेकिन ये फ्यूचर शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। म्यूचुअल फंड कहें तो म्यूचुअल फंड 854 करोड़ की अभी तक इक्विटी में बिकवाली कर चुका है, डेब्ट में 14,000 करोड़ की खरीदारी कर चुका है, लास्ट मंथ 33,000 करोड़ की खरीदारी की है, 4,000 का इक्विटी में खरीदारी की है और अभी तक ऑलरेडी 14,000 करोड़ की खरीदारी कर दी है। एफआई देखेंगे तो एफआई इक्विटी में 921 करोड़ की खरीदारी कर रहा है, जबकि एफआई भी डेब्ट में 3200 करोड़ की खरीदारी कर रहा है। कहीं ना कहीं सिग्नल जो है डेब्ट की ओर ज्यादा जाने के मतलब है। अब जो फंड हाउस है वो सिक्योर पोजीशन बनाना चाहते हैं क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है और वोलेटाइल रहेगा। सारे ग्रोथ जो आने थे आ गए, जो भी न्यूज आने थे आ गए, मार्केट एक बार नीचे लेगा फिर वहां से ऊपर की ओर लंबी ट्रेंड बनाएगा। अब जो ट्रेंड ऊपर की ओर एक बार चालू होगी नीचे जाने के बाद वो आपको कंटिन्यू दिखेगा और 3-4 साल तक वो बरकरार रहेगा। तो लॉन्ग टर्म से मार्केट बहुत अच्छा है, पैनिक नहीं करना चाहिए। आपको लोअर में जो आपने अच्छे स्क्रिप्ट को खरीदे हैं उसको अपने पोर्टफोलियो में एवरेज करना चाहिए एट ए बॉटम पे। तो यहाँ पे कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मार्केट तो क्रैश कर गया। ये मार्केट आपको लास्ट ऑप्शन दे रहा है, लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा है नीचे बाइंग का। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप सेल करके भी कमा सकते हैं, इसके लिए ये स्ट्रेटजी यहाँ पे काम करती है। अगर आप उसको नीचे सेल करके रखते हैं तो भी आप अर्न कर लेते हैं और जहां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसको आप एक्यूमुलेट कर लेते हैं। तो आप दोनों तरीके से इसमें देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब मार्केट नीचे जाता है तो लोग अर्न नहीं कर सकते। अगर इंडेक्स की बात करूँ तो निफ्टी, यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी 50, 100 और 200, 500 प्लस में दिखाता है। विक्स जो है थोड़ा निगेटिव दिखा है, 4 पॉइंट से निगेटिव दिखा है, इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। निफ्टी बैंक पॉजिटिव दिखाया है 30,000 पे खुल करके और 31,066 की ओर क्लोजिंग दिया है, ये भी डम्मी क्लोजिंग है। और अगर यहाँ पे एक बार चार्ट में आप देखें तो चार्ट में आप देखिए क्या डिसीजन बना। अगर डेली बेसिस में इसको ये इनडिसिसिव कैंडल बना हुआ है, ये लो बनाया है 11,769 का, हाई बना दिया 11,896 का,
क्लोजिंग 11,870 पे, ओपनिंग 11,800, जहां पे ओपन हुआ वहीं क्लोज दे देता है। ना तो ये आपको ऊपर 11,870 इस लेवल को, जो 9 दिन का एवरेज है उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है जो कि 11,887 है, ना ही तो 21 दिन के डेमा को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है जो कि 11,772 है। अगर 11,887 क्रॉस करता है तो ये आपको लेवल दे देगा 12,000 का, और अगर ये क्रॉस करता है आपको 11,772 तो 11,600 पे सपोर्ट दे देगा। तो नेक्स्ट वीक का जो दायरा रह सकता है आपको, हो सकता है आपको 11,772-11,750 में क्लोजिंग कर दे, बहुत से बहुत लोवेस्ट 11,600, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। सिग्नल भी रिस्क है, मीन्स अगर आपको पोजीशन किसी को मार्केट में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बनाए भी तो लो, आप बेरिश सिग्नल बनाए, पुट की ओर सेल की साइड बनाए, ताकि मार्केट अगर थोड़ी मोड़ी ऊपर भी जाके स्ट्रेटजिक ऊपर लेता है तो भी अल्टीमेटली डायरेक्शन जो है वो नीचे का है। तो कोई भी चाहे तो अपने 12,000 के स्टॉप लॉस से आप इसमें शॉर्ट की पोजिशन पर बने रह सकते हैं। 12,050 के स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट सिग्नल निफ्टी में बने रह सकते हैं। निफ्टी आपको 11,000 तक जाता हुआ आपको दिख सकता है, लेकिन अभी नहीं दिखेगा, ये ऊपर नीचे जैसे कर रहा करते हुए जाएगा। अगर आप डेरिवेटिव में जाएं, डेरिवेटिव में 13 जून की एक्सपायरी को देखिए, 11,870 पे क्लोजिंग हुआ है 7 जून 2009 को, 11,870 के जब डेरिवेटिव में पोजीशन जा करके देखें तो 11,850 पे देखेंगे यहाँ पे 3,09,000 से शॉर्ट की पोजीशन कॉल की और बन रही है, और आप इधर भी देखें तो 1,79,000 11,850 पे भी कॉल की पोजीशन, दोनों साइड शॉर्ट की पोजीशन बना करके लोग खड़े हैं। लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है पुट की ओर ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन बन रहा है 8,00,000 से 1,80,000 से 4,70,000 से, ताकि लोगों को नीचे की ओर फंसा दिया जाए कि यहाँ लोग सोचें कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, मार्केट ऊपर की ओर नहीं जाएगा, ये गलत फहमी नहीं है। आज देखें तो दोनों ओर शॉर्ट की पोजीशन बनी है इंडिसेसिव कैंडल, और 12,050 पे देखिए पॉजिटिवनेस बना है, यहाँ से अनवाइंड हो रहा है 12,050 से और 11,950 से अनवाइंड हो रहा है, मतलब 11,950 भी मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा वो। किसी ना किसी तरीके से 12,000 पे 19,00,000 का 4,11,000 का तो अभी ही पोजिशन बना है, शॉर्ट की पोजिशन बनी है, और नीचे 11,800 पे 74,00,000 का है, तो 11,800 से 12,000 का ये रेंज जो आपको दिख रहा है, और 11,700 लेटेस्ट जो कि 10,00,000 का पोजिशन है, जैसा कि चार्ट पे भी दिख रहा है, इसी रेंज में मार्केट आपको एक्सपायरी करते हुए दिख सकता है, मीन्स लोअर साइड में 11,700 की ओर और ऊपर साइड में 12,000 की ओर, ये रेंज में ही मार्केट नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग कर देगा। बाकी सारे पोजीशन की वैल्यू को शॉर्ट करके बैठा जा सकता है, और शॉर्ट करके बैठेंगे और उसकी पोजीशन की वैल्यू को जीरो कर देंगे। तो बेरिश पोजीशन है, मार्केट निगेटिव है अभी भी, अगर आपको बताया था पहले भी, अगर बैंक निफ्टी में बताया था कि अगर आप मंथ एक्सपायरी की अगर पुट को लेके बैठे होंगे तो आप फायदे में होंगे, और अभी भी अगर आप चाहें तो अगर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो एट द मनी पे देखें। अगर यहाँ पे देखें आपको लास्ट ट्रेडेड प्राइस इसका 78 है, 15,11,17,00,000 का है, 11,800 का, तो 11,800 का 109 का है, तो चाहें तो आप यहाँ पे 11,800 की पुट को पे पोजिशन देख सकते हैं, बना सकते हैं। ये किसी भी हालत में ऊपर इसको नहीं जाना है, तो आप 11,800 के पुट पे अगर रहते हैं और अगर वापस ये गिरता है तो आप इसको एवरेज कर सकते हैं, एक लॉट लें ताकि एवरेज करने के लिए तीसरे लॉट की आपको गुंजाइश वहां पे मिले। 12,050 अगर क्रॉस करके सस्टेन करता है तो आपकी वैल्यू गिरेगी, इसके लिए आप सस्टेन नहीं कीजिएगा। लेकिन 11,800 रेंज इसका 11,700 से 11,950 है, तो बेहतर होगा कि आप 11,900 का आप पुट की वैल्यू कर दे जो कि 147 पे है। तो 11,900 में आपको प्राइस एक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, नीचे की ओर जब भी जाएगा आपको वैल्यू पोजीशन अच्छा मिलेगा। ये है 27 जून की एक्सपायरी का, तो 11,950 जो है, 11,950 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 11,900 का 147.95 रुपये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, आप इसमें देखेंगे भी तो यहाँ पे बाइंग सेंटीमेंट है 79,000 का, 51,000 शॉर्ट की पोजीशन जो भी बनाए थे यहाँ से अनवाइंड की पोजीशन बन रही है पुट की, और आप ये सब छोड़ दीजिए क्योंकि ये वीकली एक्सपायरी होता है, इस पर इससे ज़्यादा ज्ञान इसमें लेने की जरूरत नहीं है। 11,900 का पुट है, 75 का लॉट होता है, बाइंग 79,000 है, कहीं ना कहीं ये हाई 203 का बनाया है, लो 127 का बनाया है, तो आपको अगर ये वापस 127 और 120 के आसपास मिलता है तो आप इसको बाइंग पोजीशन में रखें,
27 जून की एक्सपायरी है। अगर ये 50% वापस होता है तो ही आपको दूसरा बाइक करना है, अदरवाइज इसको बाइंग नहीं करनी है, आप इसको एक लॉट लेके छोड़ दीजिए। ऐसे पुट में पेपर ट्रेड कीजिए। मार्केट में कोई भी पोजीशन डायरेक्ट नहीं बनाइए, बनाना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके जाने, क्योंकि आपका रिस्क हैपेटाइट आपका फाइनेंशियल एडवाइजर अच्छे से जानता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं कितना नहीं ले सकते हैं। किसी भी रीजन से आप जो भी बाय करते हैं उसके अगर 50% वैल्यू पे जाता है तो आपको वहां से एग्जिट कर देना चाहिए। इससे ज़्यादा मीन्स अगर 50 रुपये, अगर आप 100 रुपये पे बाय करते हो और इसकी वैल्यू 50 रुपये चली जाती है तो आप उसको एग्जिट कर दीजिए। उस समय मार्केट जिस डायरेक्शन में जाना होगा जाएगा और उस समय उसकी वैल्यू को अलग से चेंज कर लेंगे, उससे ज़्यादा वेट करने की जरूरत भी नहीं है। तो आपको बहुत से बहुत इसमें 75 का लॉट है तो 3,000 साढ़े 3,000 का लॉस हो सकता है। गेन यहाँ से अगर होना होगा तो 127 की वैल्यू आपको 255-260 तक की वैल्यू डबल भी हो सकती है यहाँ से, जिसकी चांसेस ज़्यादा है। 80% चांसेस है डबल होने की, 20% चांसेस है कि आपको ये कम होगा। तो 11,900 के पुट पे पेपर ट्रेड करके देखिए क्या आता है, क्या फ़ायदा होता है, क्या लॉस होता है। बट पेपर ट्रेड कीजिए, मार्केट में बाय नहीं कीजिए। जब आप सीख लेंगे तो खुद आप ट्रेड करना सीखेंगे। अभी अगर देखेंगे, अगर रिपोर्ट्स देखेंगे कौन कौन से बैन में है, और अगर आज देखेंगे तो ऑलरेडी बैन की लिस्ट की रिपोर्ट भी देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से सिक्योरिटीज बैन में है। तो अभी जो है DHFL, IDBI और PC ज्वेलर्स, ये तीनों, PC ज्वेलर्स तो बाहर ही हो जाएगा लेकिन अब यही तीनों बैन में है। अब PC ज्वेलर्स नेक्स्ट महीने से शायद मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर ऑप्शन में डेरिवेटिव में ट्रेड नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, 11,870 पे क्लोजिंग है, आप इसको पॉजिटिव नहीं समझिएगा, ये नेगेटिव सेंटीमेंट है। बेरिश सिग्नल पे रहिएगा, आपको फायदा हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।